What the hell? तुम यहाँ पड़ी हुई हो? हाँ वीर, मैंने इतनी पी ली थी ना तो सर में बहुत दर्द हो गया, तो मैं पोंकी को बोलकर यहाँ सो गई। सीरियसली, तुम यहाँ सोई हुई थी? हाँ, क्यों, क्या हुआ? आप पैसे नींबू पानी वगैरह दे दूंगी, तुम पोंकी को देखो। पोंकी, क्या हुआ पोंकी को? रिलैक्स, मरा नहीं है, सो रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। जय, तुमने मयूरी के साथ क्या किया? मैंने उसे संभाल लिया, तुम फिक्र मत करोगे। जय, तुमने उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? क्योंकि हमें नहीं पता कि वो वाकई बुरी है या नहीं। आई होप तुमने उसे कोई चोट ना पहुंचाई हो। तो बिना हमारे चोट पहुंचाना इसे कहते हैं? जय, मेरा मतलब तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं पानी, मैं सब समझ चुका हूँ। अफसोस की बात तो यह है कि तुम मुझे अभी तक नहीं समझ पाई हो, जबकि हमारा साथ साथ उसे है। खैर, अब तुमने सवाल कर लिया तो उसका जवाब भी सुन लो। मयूरी बिल्कुल ठीक है, मैंने कोई चोट नहीं पहुंचाई है। और इससे पहले कि तुम पोंकी के लिए मुझ पर उंगली उठाओ, तो वो उन्हीं लड़कों में से एक है जिन्होंने नूर को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। जय, मैं जानती हूँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे पोंकी की बात नहीं करने आई हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ इतना अलर्ट करने आई हूँ कि सबको पता चल गया झीलों को कि यहाँ पे कोई एक सांप है। तो इन्हें भड़क लग चुकी है। ठीक है, तो मैं अपना प्लान चेंज करता हूँ। बस तुम मुझे इनसे कुछ वक्त के लिए बचाना होगा, तुम मेरी ढाल बनना होगा। पानी बनोगी ना? जय, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ओके, थैंक यू। गाइस देखो, तुम लोग टेंशन मत लो। यार और चाचू पता कर रहे हैं कि इसको ऐसा क्या दिया जाए कि ये होश में आए। पर भाई, ये गिरा कैसे? हम डैम श्योर इसने ज्यादा पी लिया। ये फिर भी तो चील बन के उड़ सकता था। इडियट, नीचे गिरा क्यों? अपिस भाई, माथे पे चोट देखिए, रेलिंग पे सर लगा और ये बेहोश होकर नीचे गिर गया, इसलिए शायद उड़ नहीं पाया और नहीं चला पाया। पर भाई, इसके फ्रेंड्स बहुत चीप है, इसके गिरते भाग गए सारे के सारे। अरे वो भी सोच रहे होंगे ना, ये पुलिस उनका चक्कर ना पड़ जाएगा, इसीलिए। फिर भाई, इसमें से भाई स्मेल आ रही है, वो नाग गंध, ये उसी सांप, वो नाग जो भी था उसी का काम है। कोई बड़ी चाल चलनी पड़ेगी, ये चील मुझ तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकता है। तपिश भैया, ये पोंकी के लिए। थैंक यू। क्या है? कुछ तो है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस घर में अपना बदला लेने आई थी, मेरे दुश्मन मेरे गिनती के थे, मेरे सामने थे, तो फिर मोरनी के आने का क्या मतलब है? वो तो नागवंश की इतनी बड़ी दुश्मन है, तो फिर वो यहाँ क्या कर रही है इस घर में, चीनों के घर में? समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस इतने दिनों में बस एक ही अच्छी चीज हुई है, वो है जय की जान बच गई, लेकिन जिसके मौत के धोखे में मैंने उस तीर को एक बेगुनाह को मार दिया। बहुत बड़ा पाप किया है तूने बाली। एक मिनट, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया होता तो नाग लोग के नियम के हिसाब से बिरांचो को उसी रात पता चल जाना चाहिए था कि तू एक नागिन है, उसे गंध आ जाती, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि तीन मरा ही ना हो? नहीं बानी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तेरे सामने उसकी लाश थी। तूने खुद अपनी आंखों से उसकी लाश देखी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बानी तूने उसे मारा ही ना हो, उसका कातिल कोई और हो? ये सब सोच के मैं पागल हो जाऊंगी, बानी तो पागल हो जाएगी ना। दिस इज गेटिंग सो कंफ्यूजिंग। गॉड, तुमने तीर को नहीं मारा है, तुम जान भी जाओ तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। फिकर तो मुझे इस बात की है कि इन चीलों को अचानक मेरी गंध कैसे आने लगी, जो मैं अब समझाऊं कैसे। मैंने उस बेकसूर पुजारी को मार दिया शायद इसीलिए। पर चलो अच्छा है, बानी अपनी परेशानियों मेरे बारे में सोच ही नहीं पाई, उसे किसी तरह का शक नहीं हुआ मुझ पे। ये बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि अब मैं वो चाल चलूंगा जिससे आदि नागिनादी नाक से मात खा जाएगी। मुझे पंकी के लिए बहुत बुरा लग रहा है, पता नहीं क्या होगा उसका। अब मैं वीर के इतने पास हूं कि इसे नाकन जरूर आएगी, और ऐसा होते ही मैं इसे बता दूंगा कि ये पानी की साड़ी है। फिर देखता हूं तुम कैसे बचती हो आदि नागिन। क्या हुआ? सॉरी, तुम्हारी वाइफ की साड़ी है, मैंने मांग के पहन ली। आज अपने चमक धमक वाले कपड़े पहनने का मन ही नहीं कर रहा था, खास करके जो हुआ उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। पता है वीर, मैंने एक बात समझ ली है कि भरोसे को हम दुनिया की कुछ ज्यादा ही बड़ी चीज मानने लग जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे अपने हैं, हम उन पर भरोसा करेंगे तो वो कुछ गलत नहीं करेगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अब पोंकी को ही देख लो ना, क्या जरूरत थी उसे वहां से कूदने की? और तो और, कल उसके क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली सब उसके साथ थे। फैमिली से मेरा मतलब है खून के रिश्ते, जिसे अपने खून की परवाह होती है वीर। शादी के रिश्ते तो बाद में जुड़ते हैं, उसमें धोखा मिल सकता है, पर अपने अपनों के साथ कभी धोखा नहीं कर सकते वीर। और मुझे यकीन है कि पोंकी के साथ कभी कोई अपना कभी बुरा नहीं करेगा। पता नहीं वहां उसका कौन दुश्मन था जिसने ये सब किया, अब किसी के चेहरे पर लिखा तो नहीं होता है ना। एनीवे, मैं पोंकी को देख के आती। सही कहा तुमने, वो जो भी है दुश्मन ही है।